Thousands of railway employees hailing from several states went to the national capital to protest against the ruling government in center. You can see that there are thousands of government employees which are protesting under the banner of All India Local Running Staff Association. They people are targeting the central government and sloganeering against the railway minister Piyush Goyal. Here I am with a senior leader. We will speak to them and know what are the issues and why they are protesting. Sir, abhi ka jo aapka protest hai wo kis liye hai? Dekhiye, ab to pehli issue hamari ho gayi shahidon ka, sardar ji ne diya. Dusri issue hai ki bharatvarsh ke sare karmchariyon ko 7th pay commission ke नजर में पेमेंट मिल गया अनुसार, एकमात्र रनिंग स्टाफ को नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि हमारा जो किलोमीटर रेट है, किलोमीटर रेट में 30% मेरा पे है और 20 दिन का टीए है। तो जो टीए का रेट बढ़ा वो भी हमको नहीं मिला पूरा पूरी एक एक किलोमीटर में। तो मेरा पे और टीए ये दोनों जैसा हमको मिलना चाहिए 7th पे कमीशन के अनुसार वो आज तक नहीं मिला। हम 1.5 साल से 2 साल से लड़ाई कर रहे हैं। 2 साल से हमने इस सवाल को उठाया है। हमने आरएसी गए, एनआईटी में गए, धरना दिए, हंगर स्ट्राइक किए, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी दी, प्राइम मिनिस्टर उसको रेफर किया रेलवे बोर्ड को, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। खाली बोलते हैं कि करेंगे लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जालंधर हमारा विजय हुआ था, हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि हमको हड़ताल छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, हड़ताल में जाना होगा। लेकिन और ये हम प्रोग्राम लिए थे हड़ताल का डेट अनाउंस करने के लिए, रैली का प्रोग्राम लिए थे, हमारी वर्किंग कमेटी मीटिंग भी थी। लेकिन आज की सिचुएशन कुछ बदल गई है। सिचुएशन बदल गया है कि 40-44 आदमी हमारे मारे गए हैं। दिल में एक दुख है, सारा भारतवर्ष शोकग्रस्त है। ऐसी अवस्था में हम अब गाड़ी को बंद करना इमिडिएटली नहीं चाहते हैं। इसको नज़र में रखते हुए हम लोगों ने इसको डेफर किया है। हम लोग 1 महीना का समय दिया है कि 1 महीना में अगर हमारी बातों को नहीं दिया गया, हमारी मांगों को नहीं मानी गई, तो 1 महीने के बाद हम हड़ताल में जाएंगे। इलेक्शन होगा, इलेक्शन हो सकता है कि मार्च में अनाउंस करें, तो हमको इलेक्शन के बाद ही जाना होगा। लेकिन हम 31 मार्च तक वेट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो मेरा डिसीजन रहेगा, हम हड़ताल में जाएंगे एप्रोप्रिएट टाइम, चाहे सरकार जो भी हो, मौजूदा सरकार रहे या बाहर की सरकार आना। So he's saying that they will go on a long strike if their demands are not materialized soon. With cameraman Rahul Kumar Jha, Shahzad Abid, 10 News, New Delhi.